शुरू करवाएंगे एक ऐसी लड़ाई से जिसमें मात्र कुछ वीरों ने अपनी बहादुरी के चलते पूरी की पूरी सेना को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। ये युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए माना जाता है। आइए सुनाते हैं आपको इस ऐतिहासिक युद्ध का किस्सा। 1704 के आसपास मुगलों का दमन चरम पर था। वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब के सपने को तब बड़ा झटका लगा जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसके अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और सिखों के साथ साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक अभेद दीवार बनकर खड़े हो गए। इससे गुस्साए औरंगजेब ने सरहिंद के नवाब वजीर खान की अगुवाई में अन्य मुगल राजाओं की लंबी चौड़ी फौज, जिसमें कुल सैनिकों की संख्या 10 लाख थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए आनंदपुर साहिब पंजाब भेज दी। वजीर खान की अगुवाई में आई फौज ने 6 महीने तक आनंदपुर साहिब की सरहदों को घेरे रखा, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। साथ ही उनका मानना था कि जैसे ही नगर के अंदर राशन पानी समाप्त हो जाएगा, गुरुजी स्वयं आकर समर्पण कर देंगे। मगर ऐसा सोचना मुगलों की नासमझी साबित हुई। 5-6 दिसंबर 1704 की रात गुरुजी अपने सैनिकों के साथ चुपचाप आनंदपुर से कूच कर गए। हालांकि जल्दी ही मुगलों को इस बात का पता चल गया और वो गुरुजी का पीछा करने लगे। अपने चंद साथियों के साथ जब गुरुजी सिरसा नदी पार करने ही वाले थे, तभी उनका सामना मुगलों की लंबी चौड़ी फौज से हो गया। उधर तेज बारिश के कारण सिरसा नदी भी अपने पूरे उफान पर थी। गुरुजी ने आदेश दिया कि जो कोई भी इस उफनती नदी को पार कर दूसरी ओर जा सकता है चला जाए, बाकी सैनिक यहीं रुककर मुगल सैनिकों से युद्ध करें। आदेश सुन कई सिख सैनिक नदी पार करने का प्रयास करने लगे, मगर इस दौरान कई सैनिक नदी के वेग को सहन नहीं कर पाए और तेज धार की चपेट में आ गए। वहीं कई सिख योद्धाओं ने मुगलों से युद्ध करना सही समझा। नदी पार करने के बाद गुरुजी के पास अपने 2 बड़े साहिबजादे भाई अजीत सिंह जी और भाई जुझार सिंह जी के अलावा 40 सिख सूरमाई बचे थे। वहीं दूसरी तरफ थी उनकी जान की प्यासी 10 लाख मुगलों की विशाल फौज। अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए गुरुजी पंजाब के रूपनगर में स्थित सरहिंद नहर में बसे चमकौर नामक स्थान पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। साथ ही एक स्थानीय निवासी स्वामी बुद्धचंद ने अपनी कच्ची गड़ी यानी किला नुमा हवेली गुरुजी को ठहरने के लिए दे दी। गुरुजी को हवेली सामरिक दृष्टि से बहुत उपयोगी लगी, क्योंकि उसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। उन्होंने वही अपने साथी सैनिकों के साथ रुकने का निर्णय किया। सिख सूरमा इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि अब उनका बच पाना नामुमकिन है, मगर इससे भयभीत होने की बजाय सिख योद्धा दुश्मन का इंतजार करने लगे। 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा खुचा असला बांट दिया गया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया गया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालते, केवल वीरगति प्राप्त करनी है। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची गढ़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। सिरसा नदी का जलस्तर कम होते ही मुगलों के घोड़ों की चाप का शोर से पूरी तरह चमकौर गूंजने लगा। मुगलों ने गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया ताकि गुरु गोविंद सिंह जी का पता लग सके, और अतः उन्हें पता चल गया कि केवल कुछ ही सिख सैनिक बचे हैं। 22 दिसंबर सन 1704 संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ था। कड़ाके की शीत लहर चल रही थी, लेकिन गर्मजोशी थी तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में। उधर वजीर खान ने सुबह होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुदेव जी ने अपने आप को साथियों सहित आत्मसमर्पण करे तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के जवाब में गुरुदेव जी ने मुगल सेनाओं पर तीरों की बौछार कर दी। ऐसे जवाब की उम्मीद वजीर खान ने सपने में भी नहीं की थी। वाग बबूला हो रहा था, उसके सैनिक तेजी से मरते जा रहे थे। वजीर खान को लगने लगा था कि उसे गलत सूचना दी गई है,
क्योंकि 40 लोगों की सेना इस तरह का जवाब कभी नहीं दे सकती थी। सिख सैनिक चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद बिना डरे दुश्मन को खत्म करने में लगे हुए थे। चूंकि मुगल सैनिक संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए सिखों के तीर जल्दी ही खत्म हो गए। ऐसे में मुगलों को एक पल के लिए लगा कि वो अब जीत जाएंगे। एक तरफ जहां 10 लाख मुगल सैनिक थे, तो वहीं दूसरी ओर मात्र 40 सिख योद्धा, गुरुजी और उनके दो साहिबजादे। गुरुजी ने रणनीति बनाकर 5-5 सिख सैनिकों का जत्था मुगलों से लड़ने के लिए किले से बाहर भेजना शुरू कर दिया। पहले जत्थे में भाई हिम्मत सिंह जी ने अपने बाकी के 4 साथियों के साथ मैदान में उतर गए। गुरुजी स्वयं भी किले की ड्योढ़ी से मुगलों पर तीरों की बौछार करने लगे। तभी मुगल लाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव जी ने उसको वहीं बाण से भेद कर चित कर दिया। एक और जनरल ख्वाजा महमूद अली ने जब साथियों को मरते हुए देखा तो दीवार की ओट में भाग गया। गुरुदेव जी ने उसकी इस बुजदली के कारण उसे अपनी रचना में मरदूद करके लिखा है, उधर लंबे समय तक खूब लोहे से लोहा बजा, फिर पहला जत्था शहीद हो गया। गुरु जी ने फिर दूसरा जत्था युद्ध के लिए बाहर भेजा। देखते ही देखते मुगलों के पैर उखड़ने लगे, उनमें अजीब सा डर घर कर गया। हर किसी की समझ से बाहर था कि कैसे मात्र 40 सिख 10 लाख की फौज से लोहा ले सकते हैं। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और उनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी नुकसान करते हुए स्वयं भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुजी ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया, जल्दी शाम घिर आई। गुस्साए वजीर खान ने अपने साथी हिदायत खान, फुलान खान, इस्माइल खान, असलम खान, जहान खान, खलील खान, भूरे खान को किले के भीतर चलने का आदेश दिया। सारे मुगल कच्ची ड्योढ़ी में घुसने की तैयारी करने लगे। खबर पाकर सिख सैनिकों ने गुरुजी से उनके पुत्रों सहित ड्योढ़ी से निकल जाने का आग्रह किया, क्योंकि इतना बड़ा हमला रोक पाना मुश्किल था। इस पर गुरुजी ने कहा कि तुम सारे मेरे साहिबजादे यानी पुत्र ही तो हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। इस पर उनके बड़े साहिबजादे भाई अजीत सिंह ने गुरुजी से युद्ध स्थल में जाने की आज्ञा मांगी। सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारने के बाद भाई अजीत सिंह भी शहीद हो गए। उसके बाद भाई जुझार सिंह ने रणभूमि में मोर्चा संभाला। वो भी दुश्मनों के लिए काल साबित हुए, पर बाद में उन्हें भी वीरगति प्राप्त हुई। उस समय बड़े साहिबजादे अजीत सिंह 18 साल के थे, जबकि छोटे साहिबजादे भाई जुझार सिंह की उम्र मात्र 14 साल की थी। गुरु साहब ने दोनों साहिबजादों को शहीद होते देख अकाल पुरख ईश्वर के समक्ष धन्यवाद शुक्राने की प्रार्थना की और कहा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बच रहे थे और वह स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। जल्दी ही बचे हुए सिख सैनिकों ने गुरुजी से पुनः वह स्थान छोड़ने का अनुरोध किया, ताकि गुरुजी वहां से सुरक्षित निकल आगे की रणनीति बना सके। गुरुदेव जी तो दूसरों को उपदेश देते थे, जब आव की आउद निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरो, फिर भला युद्ध से वो स्वयं कैसे मुख मोड़ सकते थे। गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं? मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। गुरुदेव जी के इस निर्णय से सिख बहुत चिंतित हुए। वे चाहते थे कि गुरुदेव जी किसी भी विधि से यहाँ से बचकर निकल जाए, ताकि लोगों को भारी संख्या में जुटाकर पुनः संगठित होकर मुगलों के साथ दो दो हाथ कर सके। सिख भी वो मन बनाए बैठे थे कि सतगुरु जी को किसी भी दिशा में शहीद नहीं होने देना। वो जानते थे कि गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। पुनः गुरुदेव जी के पास गए और कहने लगे, गुरु जी, अब गुरु खालसा 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि कच्ची गढ़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरुदेव जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा,
मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। गुरुजी ने उनसे वादा लिया कि वो रणभूमि में अपनी जान लड़ा देंगे मगर हार नहीं मानेंगे। इसके बाद उन्होंने वहां से दो सैनिकों के साथ निकलने का निर्णय लिया। दुश्मन को चकमा देने के लिए गुरुजी ने अपने समान दिखने वाले भाई जीवन सिंह को अपना मुकुट और पोशाक पहनाकर ड्योढ़ी पर चढ़ा दिया ताकि दुश्मन को उनके वहां से निकल जाने का पता न लगे। लाखों हजारों शवों में बस 35 शव ही सिख सैनिकों के थे। वहीं मुगल फौज का लगभग सफाया हो चुका था। गुस्साए मुगलों ने किले पर धावा बोला। वहां मौजूद सिख सैनिकों ने उन्हें करारा जवाब दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीरगति पा गए। इस युद्ध में मुगलों पर ये 40 सिख इस कदर भारी पड़े कि उन्हें इनके सामने सर झुकाना ही पड़ा। मुगल सत्ताधारियों की ये करारी चपत थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर का घेरा डालने के बावजूद भी ना तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए व्यय हो गए। हजारों की संख्या में मुगल फौजी मारे गए परंतु मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त न कर सके। औरंगजेब ने गुरु जी के समक्ष घुटने टेक दिए और मुगल शासन का भारत से नाम मिट गया। उस समय औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा था कि कैसे उन्होंने ये सब किया, कैसे 40 सिखों ने 10,00,000 मुगल फौजियों को हरा दिया। तब गुरु जी ने जफरनामा अर्थात विजय पत्र द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा था, उनका एक एक सिख अपने दुश्मन के लिए 1,25,00,000 के बराबर है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1,25,00,000 से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। पंजाब के रूपनगर से 15 किलोमीटर दूर स्थित चमकौर नामक स्थान सिख इतिहास की शौर्य गाथा का जीवंत उदाहरण है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा विड़ी चंद बाग में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब स्थापित है जो चमकौर के युद्ध में शहीद हुए सिख सैनिकों को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ कई अन्य गुरुद्वारे भी हैं।